महाराष्ट्र सेल एंड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने मोदी सरकारद्वारा बिक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा 1976 रद्द करने की विरोध में 20 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। जिले के 700 पंजीकृत सहित 1200 से अधिक MR हड़ताल पर रहने की जानकारी यूनिट सचिव जयेश चांडक ने दी। उन्होंने बताया कि शासन के नाम एक निवेदन बुधवार की सुबह 11 बजे जिलाधीश को सौंपा जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने चांडक के साथ दिनेश ठाकरे, अनंत भोंबे, अजय शेटे, श्रीकांत टेकाड़े, विनय ठोकल, ताहिर अकोलावाला, मनीष नानोटी, जय सेठिया, मिलिंद थेटे, अभय देव और अन्य सभी पदाधिकारी सभासद प्रयासरत है। उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। तीसरा डिमांड है हमारा कि मेडिसिन की जो प्राइसेस है और जो मेडिसिन इक्विपमेंट पे GST या मेडिसिन पे GST लग रहा है, वो GST सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम करना चाहिए, जिससे आम जो जनता है, जो आम नागरिक है हमारे भारत के, उनको फायदा हो, उनको दवाइयां सस्ते में मिले। उसके बाद सेल्स रिलेटेड हैरेसमेंट और विक्टिमाइजेशन का जो दौर चला है आज, बहुत सारी कंपनियों में मैनेजमेंट हावी होना चाहती है, यूनियन को तोड़ना चाहती है, हमारे जो हक है उसके ऊपर निर्भर लाना चाहती है। तो हमारी वही डिमांड है कि विक्टिमाइजेशन और हैरेसमेंट, इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। इसके बाद जो ट्रैकिंग हो रहा है हमारे ऊपर, जो आजकल टैब हमको दिए जा रहा है उसके हिसाब से ट्रैकिंग हो रहा है। कंपनी बोलती है आपको टैब दिया है, ये सिर्फ डिटेलिंग के लिए दिया है, लेकिन वैसा नहीं है। उसके अंदर ट्रैकिंग होता है, आप कौन सा प्रोडक्ट डिटेल करते हो, आप डॉक्टर से क्या चर्चा करते हो, वॉइस भी आपका रिकॉर्ड होता है, वीडियो आपका रिकॉर्ड होता है, ये सर्वेलेंस है। तो अगर कंपनी को विश्वास नहीं है एम्प्लॉय के ऊपर, तो इस इंडस्ट्री में हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो हमारी यही डिमांड है कि ट्रैकिंग और सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।